नमस्कार, आज हम समझेंगे कि पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं और इसके साथ साथ हमें कई और दिलचस्प सवालों के उत्तर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो लालटेन है बीचों बीच, ये हमारा सूरज मानते हैं। मैंने सूरज को ऑन करा। हमारी किस्मत अच्छी है कि सूरज ऑफ नहीं होता, वरना जीवन नष्ट हो जाएगा। खैर, ये पृथ्वी की पोजिशन दिसंबर में है। अच्छा, देखने की बात पहले ये है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि पृथ्वी जिस प्लेन पे पूरा चक्कर लगाती है, इसके ऊपर 23 डिग्री पे ये झुका हुआ है। ये जो झुकाव है और पृथ्वी का जो गोलाकार है, ये मिलके ये इफेक्ट बनाते हैं कि गर्मी कहाँ पड़े और सर्दी कहाँ पड़े। ऐसा नहीं कि दूरी के कारण गर्मी सर्दी होती है, हाँ उससे प्रभाव पड़ता है, पर पृथ्वी अधिकतम दूरी पे असल में होती है जून में और न्यूनतम दूरी में होती है असल में दिसंबर में, जबकि हमारे यहाँ उत्तरी भाग में गर्मियाँ पड़ती हैं जून में, तो उसका प्रभाव बहुत छोटा है बनिस्पत इसके प्रभाव से जो सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ती है इसके गोलाकार के कारण और अक्ष की दिशा के कारण। अब होता क्या है कि दिसंबर माह में अक्ष ऐसा है और सीधी की सीधे किरणें मकर रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे सीधी की सीधी किरणें सूरज की यहाँ पर पड़ती हैं, जबकि ऊपर मान लीजिए हम भोपाल पे हैं जो लगभग कर्क रेखा पर है, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं। दोपहर के 12 बजे अगर ऑस्ट्रेलिया में आप खड़े हैं मकर रेखा पर और पृथ्वी यूं घूम के आई दोपहर के 12 बजे, तो आपकी छाया सीधा का सीधा एकदम नीचे होगी। जैसे मैं इस लाइट के नीचे खड़ा हूँ तो मेरी छाया एकदम नीचे है, लेकिन अगर आप यहाँ भोपाल में हैं और दोपहर के 12 बजते हैं तो आप असल में 23.5+23 भूमध्य रेखा से भी 23.5 डिग्री ऊपर और ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे, तो 47 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे लोकल टाइम 12 बजे यहाँ पे भी आपकी छाया 47 डिग्री पे होगी, सूरज इतना नीचे नहीं होगा, छाया लंबी खड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 12 बजे छाया आपकी एकदम सीन में होगी, आप देख लीजिएगा कभी दिसंबर में जनवरी में कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जब ज्यादा छोटे कम क्षेत्रफल में ज्यादा रोशनी पड़ती है तो एक कम हिस्से को वो ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर पाता है, यानी कि गर्मी पैदा करता है, और यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा ज्यादा क्षेत्रफल में उतनी ऊर्जा ज्यादा क्षेत्रफल में फैलती है तो उतनी गर्मी यहाँ पर नहीं पहुंचा पाता, उतनी ऊर्जा यहाँ नहीं पहुंचा पाता, तो जो समुद्र है, जल है, अपना भूमि है, ये उस हिसाब से गर्म नहीं कर पाता जहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं उसको कर पाता है। धीरे धीरे करके हम चलते हैं अपन मार्च। मार्च के महीने में क्या होता है? मार्च के महीने में भूमध्य रेखा पर सीधी की सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन ऊपर यानी कि उत्तर और दक्षिण पर दोनों पर एकदम सीधी या एकदम तिरछी किरणें नहीं पड़ रही है, बराबर। तो ये मौसम ना सर्दी ना गर्मी का है। ये बात अलग है कि भूमि और जल जो ऊर्जा है वो अपने अंदर थोड़ी सी इकट्ठी रख पाते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा होता है कि दक्षिणी भाग थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा उत्तरी भाग से, लेकिन वैसे ये बराबरी का मौसम। इसके बाद हम चलते हैं धीरे धीरे करके जून में, जो अभी मौसम है और मैं भारत से बोल रहा हूँ, तो जून में अगर सीधी की सीधी किरणें सूरज यहाँ पर पड़ रही है भारत पर, तो गर्मी गर्मी का मौसम यहाँ पे शुरू हो जाता है। शुरू तो खैर यहाँ से धीरे धीरे करके हो जाता है और यहाँ पे जून में सबसे पीक गर्मी का मौसम 22 जून तक अपने पास पहुँचता है। सीधी की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो पूरे उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है, जबकि जून में ऑस्ट्रेलिया में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है कई जगहों पर, विपरीत होते हैं मौसम। वही क्षेत्रफल का जो अपना हमेशा क्षेत्रफल वाला जो बात है कि ज्यादा क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है उतनी ऊर्जा और यहाँ पे कम क्षेत्रफल। वापस से मार्च में एकदम वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कि सितंबर में एकदम वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कि मार्च में, तो वो बराबर बात है कि भूमध्य रेखा पर रोशनी पड़ी और उत्तरी भाग में और दक्षिण भाग में एकदम बराबर की ऊर्जा पहुंच रही है।
तो ना सर्दी ना गर्मी, धीरे धीरे करके यही सर्कल रिपीट होती है। अब होता क्या है, आप कुछ चीजें और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिसंबर में आप साउथ पोल पर हैं, दक्षिणी पोल पर हैं, तो यहाँ पे रात को ही नहीं लगातार इस लाइटिंग की रोशनी इस ग्लोब पर है यहाँ, जबकि अगर मैं यहाँ पे लाइटिंग की रोशनी हटा दूँ तो यहाँ ऊपर की लाइट की बात अलग है, ये रोशनी यहाँ तक नॉर्थ पोल पे नहीं पहुँचती। यहाँ पे 24 घंटे दिन है और यहाँ पे 24 घंटे रात है, और पूरे विश्व में ऐसे बदलता हुआ समय, दक्षिणी भाग में दिन लंबा हो रहा है और उत्तरी भाग में दिन छोटा हो रहा है। आप देख सकते हैं उत्तरी भाग को हल्की सी देर के लिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कनाडा में यूएस में, हल्की सी देर के लिए थोड़ा थोड़ा सूरज प्राप्त हो रहा है और फिर अंधेरा अंधकार अंधकार। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखें कहीं भी, तो ज्यादातर देर तक यहाँ पे सूरज है, इसलिए समय बदलते हैं। अच्छा एक और बात है, मान लीजिए आप भारत में हैं और तट रेखा पर खड़े हैं, भोपाल शहर के आसपास है, तो आप देखिए कि पूर्व ये अपना पूर्व इस तरफ हो, अब यहाँ पे खड़े सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ तो पूर्व में नहीं दक्षिण पूर्व में सूर्य उगता हुआ दिखेगा, 12 बजे थोड़ा सा दक्षिण की तरफ होगा, वही 47 डिग्री के एंगल पे दक्षिण की तरफ होगा और सूर्यास्त भी दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा। जबकि आप ये बात समझें कि यहां पर जब एकदम विपरीत स्थिति है, जून में यहां पे सूर्योदय होगा कहां पर, उत्तर पूर्व की तरफ, पीछे से यूं आ गया आएगा सूरज, आप ध्यान से देखना सुबह सुबह ये पीछे से यूं आएगा उत्तर की तरफ से, और फिर दक्षिण पे जब आप अगर भोपाल पे हैं तो दोपहर के 12 बजे एकदम सीध में सूरज दिखेगा और वापस से उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, हाँ मैंने अगर दक्षिण बोला तो माफी चाहता हूं, उत्तर पूर्व की तरफ ये उगता हुआ दिखेगा और उत्तर पश्चिम की तरफ ढलता हुआ दिखेगा, ठीक है। जबकि अगर हम मार्च या सितंबर की बात करें तो स्थिति समान है, यहां पे 12 घंटे दिन और रात एकदम बराबर है, 22 मार्च और 22 सितंबर इन दिनों के आसपास ही आता है, इस समय 12 घंटे दिन और रात बराबर होते हैं एकदम, तो चाहे यहां पर हुआ चाहे यहां पर हुआ 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात है, इस प्रकार धीरे धीरे करके यह बदलता है। अच्छा हाँ, यहां पे आप किसी भी दिशा में हो आपको एग्जैक्ट पूर्व की तरफ ही सूरज उगता हुआ दिखेगा और एग्जैक्ट पश्चिम की तरफ ढलता हुआ दिखेगा, आप एंगल दे सकते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हमारा अक्ष है वो नहीं बदलता, यूं नहीं बदलता ऐसे ऐसे है, पर यूं अक्ष जरूर बदलेगा लेकिन हमारे जीवन काल में नहीं, हर 24 से 25 हजार साल में एक बार जरूर ये एक राउंड कंप्लीट करता है, उसको वॉबलिंग कहते हैं अर्थ के अक्ष की, लेकिन वो हमारे जीवन काल में नहीं होगा, पर जब वो होगा तो आपको एक चीज बता सकता हूँ कि उत्तरायण यानी कि संक्रांत पतंग उड़ाने का फेस्टिवल जून में आएगा, हो सकता है ऐसा होगा ऐसा, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया।